हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मित। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम लेटेस्ट दो अपडेट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक आ चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से और एक अपडेट आया है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आज ही फ्रेश अपडेट आए हैं, सो किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सारा हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं, जो इसके अलावा वैकेंसीज आई हुई है। हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे रिक्रूटमेंट की, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का है। देन हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक का जो अपडेट है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो अपडेट है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से है, इंडिया में किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, मेल है फीमेल है दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अपडेट है, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक आपको सेम रिक्रूटमेंट का मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। लास्ट में आपको मिलेंगे रिक्वायर्ड लिंक, पहला लिंक नोटिफिकेशन पीडीएफ का आप रीड कर सकते हैं और सेकेंड लिंक आप देख पाएंगे अप्लाई नाउ का। अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है, एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पे आपका जो पहला स्टेप रहने वाला है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मस्ट होती है किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फी कोई भी आपको पे नहीं करनी है। चाहे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की अपडेट की बात करूँ, चाहे सेंट्रल बैंक की, दोनों के लिए कोई भी फ़ी आपको पे नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, सिंपली आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, कब आपने पास आउट की है, एज लिमिट एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट आपको कर देना है। इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इसमें सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अपडेट आया है, इसमें आपकी 15,000 से 20,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है, प्लस 5,000 आपको ग्रेड पे भी इसमें दिया जा रहा है, या मैं बोलूँ अदर अलाउंस आपको इसमें दिया जा रहा है। इसके लिए अगर हम बात करें एज लिमिट की, आपकी एज मिनिमम 18, 19, 20 जितनी मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं, 62 से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर वैकेंसीज की बात करें, तो इसमें जो वैकेंसीज आउट की गई हैं, काउंसलर की हैं, डिप्यूटी मैनेजर की वैकेंसीज है जो आउट की गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल इंटरव्यू होने वाली है, उसी के बेसिस पे आपकी इन वैकेंसीज के लिए सिलेक्शन होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं इन वैकेंसीज के लिए फ़ी की, जो मैंने आपको पहले भी बताया, दोनों नोटिफिकेशन के लिए कोई फ़ी आपको पे नहीं करनी है, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट इसके लिए बात आती है क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, तो जिन भी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। क्योंकि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अपडेट आया हुआ है, इसमें इन्होंने कुछ अलग एलिजिबिलिटी भी मांगी हुई है, अगर आप फुलफिल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी के ऑपोजिट अगर मैं सेंट्रल बैंक के अपडेट की बात करूँ, वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज आई हुई है, 10th 12th ग्रेजुएट एंड अदर्स के लिए वैकेंसीज है। स्टेप बाय स्टेप उसका भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुड न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि हम बैंक एग्जाम्स को टारगेट करें हैं, हमें कुछ अपॉर्चुनिटी बता दीजिए जहाँ पर हम अपनी क्लासेज लगा सकते हैं और अपनी तैयारी पक्की कर सकते हैं। तो अनअकैडमी की तरफ से बैंक कॉम्बैट स्टार्ट हो चुका है, हर अल्टरनेट संडे होता है, इस संडे भी हो रहा है। इसमें आपको बेनिफिट ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए आपको एनरोल कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आपने मेरा कोड जरूर यूज़ करना है, तानिया TANYA। इसमें अलग अलग बेनिफिट भी आपको इसमें दिए जा रहे हैं। एक तो इसमें आप अपनी अपनी लैंग्वेज में अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयारी आपको करवाई जा रही है, जिसमें आपको 15 मिनट्स का आपके लिए टाइम रहेगा, 36 क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं और इसमें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेपरेशन करवाई जा रही है। इसके अलावा आपको काफ़ी बेनिफिट इसमें
मिल रहे हैं, जिसमें आपको जो 1000 लकी पार्टिसिपेंट होंगे उनको गिफ्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें एप्पल एयरपोर्ट्स रहेंगे, एप्पल का आईपैड रहेगा, अमेजोन के वाउचर्स रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, हर अल्टरनेट संडे इनका बैंक कॉम्बैट होता है, इस संडे भी हो रहा है। तो अगर आप बैंक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं या ग्रेजुएशन लेवल के या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट सिलेबस आपका सेम ही है, तो ज़रूर से जाकर आप एनरोल कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है और मेरा कोड जरूर आप यूज़ कर लेना, तानिया TANYA। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, फटाफट जाकर आप एनरोल कर लेना। बात करें हम रिक्रूटमेंट के जो सेकेंड अपडेट आया है उसके बारे में, सेंट्रल बैंक की तरफ से 3 से 4 टाइप की वैकेंसीज आउट की गई हैं और इस अपडेट के लिए आपको अप्लाई करना होगा ऑफलाइन। और फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक आपको सेम रिक्रूटमेंट का मिल जाएगा, हर एक का। जैसे मैंने आपको बताया 4 टाइप की वैकेंसीज है, चारों की अलग अलग PDF आपको मिल जाएगी। आप उस पर जब क्लिक करेंगे लास्ट में आपको मिलेंगे रिक्वायर्ड लिंक, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, उसी के साथ फॉर्म अटैच किया हुआ है, आपको डाउनलोड करके फिल करके इनके गिवन एड्रेस पे सेंड कर देना है और साथ में अपनी आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अटैच करनी है। अब बात करते हैं इनमें वैकेंसीज कौन कौन सी आउट की गई है। सबसे पहले जो इसमें पोस्ट आउट की गई है ऑफिस असिस्टेंट की है, नेक्स्ट जो है अटेंडेंट की है, फैकल्टी की वैकेंसीज आउट की गई है, काउंसलर की वैकेंसीज है जो आउट इसमें की गई है। एज लिमिट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट वाइज इसमें रहने वाली है। जैसे अगर मैं फर्स्ट पोस्ट की बात करूँ ऑफिस असिस्टेंट की, इसी के साथ अटेंडेंट की और फैकल्टी के लिए, इसके लिए आपकी एज मिनिमम जितनी मर्जी आप अप्लाई कीजिए, मैक्सिमम जो है वो 40 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है एज पर नॉर्म्स। इसके अलावा जो अदर पोस्ट है जो कि काउंसलर की है, इसके लिए मैक्सिमम 65 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके लिए बात आती है कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सबसे फर्स्ट जो पोस्ट है अटेंडेंट की, इसके लिए 8th पास कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर के लिए और फैकल्टी के लिए ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की, इसके लिए ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज सैलरी की। जो इसमें पहली पोस्ट है फैकल्टी की, इसमें आपकी 20,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट है काउंसलर की, इसके लिए 15,000 पर मंथ सैलरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की, इसके लिए 12,000 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करें अटेंडेंट की, जिसके लिए 8th पास एलिजिबल है, इसके लिए आपकी 8,000 इन आपकी पर मंथ जो है वो सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट इसके लिए बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इन वैकेंसीज के लिए आपकी सिलेक्शन होने वाली है पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे, और कोई भी ना तो अदर मोड अप्लाई करने का, मीन्स जैसे मैंने आपको बताया ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई करना है, किसी अदर मोड से अगर आप अप्लाई करेंगे वो एप्लीकेशंस एक्सेप्टेबल नहीं है, ना कोई एग्ज़ाम होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वॉक इन पर्सनल इंटरव्यू इसके लिए होने वाली है। उसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए सिलेक्शन होने वाली है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो फॉर्म फिल करना है उसमें लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आपको ज़रूर से अटैच कर लेनी है, जो कि आप कोशिश करना 3 मंथ से पुरानी आपकी ना हो। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक आपको मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया है, सेकंड आपको सेंट्रल बैंक का मिल जाएगा, क्लिक करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई आपको ज़रूर करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लेना। इसके अलावा जो वैकेंसीज आई, हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई आप ज़रूर करना। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।